उनके साथ इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो। हमारी मांगे पूरी करो, ये जुल्म तशद्दुद बंद करो, बंद करो, बंद करो, ये जुल्म तशद्दुद बंद करो, बंद करो, बंद करो। गरीबों का साथ दे दो, इंसाफ करो, गरीब का साथ दे दो। हमारी मांगे मांगे करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। तुम रोपी दिवान फ्लड कंट्रोल रोपी दिवान दपा पुटी सब भंड यो तुम हूँ अत भंडस कुन यमो वह कोर्मुत हत जनाब अ जमीन दह खर वु खर सोन इंसाफ कर मानन इन वस रोपियन गुमंड सह वसान नख अवामस ताकत तुम हूँ तुम वो अत भंडस क्या अच्छा लगान रोपियस ताजी सा फ्री वर् आब खान गामन हेवन रोपये हे रोपये हथ 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 मोक सी लादी ब्लॉक वे डोजर वे पुटन अत बंडस ब्लॉक वाले क्या तुम वन सूद मगर तुम गवर्नमेंटन अमुत ये मत डोजर वे तमाम यमो सुन फान कर अशमुज मीरपुर यथ गाम जोर यो यमो कोर जबरदस्त मुश्किल अस खतर गामस कुन सात सहलाब कि यह डाय गाम किस गाम से गो कि यमो ब्लॉक वाले कर यो बार तबाही यह जान ग जान ये कि यह हक कथ तथ ग इंसान न खोचन तो न डरुन दलील क्या दलील यम मत यपर यह इलीगल यपर यम मत यपर यम लीगल तथ कर्न तो अस गामस इत खतर सहन थो यमो बचत यम तपर कर यपर कर तपरी कर जनाब यपर नर्न कि अस गाम किस गाम यो खतर अच्छी बोर् गाम यो खतर वीडियो जनाब यह गवर्नमेंटन बंड दुत यह सान दिफा खतर अस बचाव खतर बेतरफे उस जमीन आब यू डो ब्लॉक वाले यम मतन ये रात दो जनाब यमो थो नी पर क्या करो यो बंद ग बचन यो अफ्टी सेफ्टी रोज इंसाफ बाकी ना कहीं वन इंसाफ मिल रलित मिलित तुम पाई क्या ये चाल चलान ये अफज साफ। तो मैं गेस्ट आउट में ये बोल सकता हूँ कि हमारे कुलगाम ही डिस्ट्रिक्ट ऐसा एक डिस्ट्रिक्ट है पूरी जेएनयू यूटी में जहाँ पे आपके 22 नंबर ऑफ रजिस्टर्ड लीजेस हैं।
रजिस्टर का मतलब उनका लीगल कन्फर्म किया गया है कि वो लीगली अपना माइनिंग ऑपरेशंस कर सकते हैं। बाकी जो नॉन माइनिंग एरियाज हैं या जो नॉन लीज्ड आउट एरियाज हैं, वहाँ से हमें भी बहुत सारी शिकायतें, जैसे हमारा अशमुजी एरिया में एक एरिया आता है मीरपुरा, मीरपुरा को आई हैव बीन हेयर इन कुलगाम डिस्ट्रिक्ट सिंस लास्ट 3 मंथ्स, तो मैं बार बार उस एरिया को ज़्यादा फोकस में कंसंट्रेट किए बैठा हूँ तब से। तो इस एरिया से जहाँ पर भी कोई भी रिपोर्ट आता है इलीगल माइनिंग का, तो वी जितना भी हमसे हो सकता है वी एक्चुअली बाउंस बैक टू द इलीगल वायलेटर्स, और हम उसका प्रॉपर तरीके से उनका सीजर वगैरह कैरी करके एंड बुक कर लेते। आए दिन रेगुलरली मैं उनको ये मैसेज इंस्ट्रक्शंस दिया करता हूँ फ्रॉम माय साइड एज वेल एज फ्रॉम द फील्ड एजेंसी, कि आप जो आपका लीज्ड आउट ब्लॉक है या जो एरिया आपका बनता है माइनिंग एरिया, उसको कंक्रीट पिलर्स से आप फेंस करें। और दूसरी चीज़ कि कहीं पर भी कोई भी वायलेशन जो वहाँ पर होती है रिपोर्टेड है, तो उसके अगेंस्ट हम उनका प्राइस ऑफ मिनरल वगैरह जो भी उनका बनता है पेनल्टी क्लास वो लगा लेते हैं। रफली मैं बता दूं, मैं पिछले 3.5 महीने से यहाँ हूँ, तो मोर देन 25 तो मैंने एक्सकेडमिशनरी जो इलीगल माइनिंग एक्सट्रैक्शन में इन्वॉल्व थे उनका सीजर करके उनसे नॉट लेस देन 27 लाख का मैंने पेनल्टी ले लिया मुझे कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस। अगर सर मैंने ऑलरेडी, जैसा दलजीत भाई मैं बता सकता हूँ, मैंने ऑलरेडी इस चीज़ को, एक तो मशीनरी सीज करना, चूँकि बहुत मैं शॉर्ट ऑफ स्टाफ भी हूँ, 6 बंदों पे लेके या 6 ऑफिशल जितने भी उनके भी कुछ रिजर्वेशन हो सकते हैं कभी कभी, तो रिपरकशन रीजनमेंट की चीज़, रीजनमेंट वाली चीज़ को डील करने के लिए मैंने पुलिस अथॉरिटी जो हमारा डिस्ट्रिक्ट पुलिस है वो वैसे तो अच्छी तरह से कॉपरेट करते हैं, तो मैंने खासकर इन एरियाज जो हमारे वल्नरेबल एरियाज उसके बारे में मैंने SSP साहब को लिखा हुआ है ऑलरेडी, हमारे एक मल्टी डिपार्टमेंट टास्क फोर्स, मैंने बहुत बार उनको लिखा है इस बारे में कि हम इस चीज़ को इरेडिकेट करें या एवरेज करें कटेलमेंट के लिए, तो मैंने लिखा है इंशाल्लाह, होपफुली मैं मान के चलता हूँ कि विद इन अ वीक्स टाइम और सो ये शिकायत जो मीरपुरा अशमुजी से दिस हैज बीन अ क्रॉनिक प्रॉब्लम देयर, तो इस चीज़ को हम